अरज की मनम वहमी तमन्ना के बवक्ते चा सपुर्दन बरुखे तू दीदाबाशम तू दुरू ने दीदाबाशी। हुजूर यही तो एक तमन्ना थी कि दुनिया से जाते हुए आप मुझे देखे, मैं आपको देखूं। मैं उस्ताद अता मोहम्मद बंदियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दे 40वें होते ख्वाजा नसीरुद्दीन गोलड़वी साहब उन्हें तकरीर की थी। बड़ी डाडी उन्होंने तकरीर की थी। उन्होंने कुर्सी देण लगे थे, उन्होंने क्या फानी है ये अरबाबे हैं जी, तर्ब की कुर्सी और कायम दायम है सिवर रब की कुर्सी, जस्टिस हो गवर्नर हो के वजीर आजम दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। ए नसीरुद्दीन साहब ने अपना शेर उत्थे पढ़िया। जब उन्होंने कुर्सी देने लगे ना तो कहते बड़े बड़े उलमा उत्थे बैठे थे, मैं थले बैठे थे, मैं उत्थे किवें बैठा। उन्हें फिर ये रुबाई पढ़ी उस्ताद अता मोहम्मद साहब के 40वें थे उत्थे, फिर उन्हें एक वाकया बयान किया। पर मैं उस्ताद अता मोहम्मद बंदियालवी अलैह रहमा उत्थे पढ़ाने सन गोल्ड शरीफ ते अनाफ का मौकफ ए वे के रोजा देर नाल इफ्तार, देर तो मुराद ए नहीं भी चानो सितारे तड़ा मन, थोड़ा जा भैया यकीनी गुरूब नहीं है जेड़ा होंदा है, अनाफ का मौकफ है थोड़ी ताखीर नाल रोजा इफ्तार करना चाहिए। उस्ताद जेड़े उस ते अमल करते सन उत्थे ओ ना नहीं उन्होंने दस्या, वैसे मैंने उस मौलवी का ना पता है जिंदे नाल उस्तादां दी लड़ाई हुई। उत्थे एक मौलवी सी गोल्ड शरीफ पढ़ांदा, उन्हें कहा भाई तू देर नाल इफ्तार क्यों करना, उन्हें कहा यार अनाफ का मौका फेवे। उन्हें कहा कोई इमाम आजम अबू हनीफा कोई वड्डे सन पीर मेरे अली शाह नाल, जिन्हें भी आके वो तो फिर उन्हें नहीं ना लिया तो मैं भी नहीं ना लिया। उन्हें यह जदों गल की थी ते उस्तादा ने उसनु क्या गल सुन, मैं कलमा रसूलुल्लाह दा पढ़िया ते तकलीद मैं इमाम आजम दी की थी, मैं पीर मेरे अली शाह दी तकलीद नहीं की थी, मैं उन्हां दी तकलीद नहीं की थी। जदों उन्हें एक गल की थी तो दूसरे मौलवी ने उस्ताद नूं चंड मार दी, उस्ताद फिर चुप हो गए क्योंकि पीर खाने का बड़ा अदब करते सन, बड़ा ही एहतराम करते सन, उस्ताद चुप हो गए। हजरत बाबू जी से अलैह रहमत दा दौर सी, पीर मेरे अली शाह साहब जाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, बाबू जी नूं पता चलिया ते आप मस्जिद ते तशरीफ ले आए। ए नसीरुद्दीन साहब ने आपको गल सुनाई, उन्हें आके मौकफ सुनिया ते जिस मौलवी ने चंड मारी सी ना उस्तादा नूं आपने उहदे मुंह ते तीन चंडा मारिया, हजरत बाबू जी अलैह रहमत ने तीन चंडा मारिया। फरमाया एक चंड तो है किसास दी भाई तू उस्तादा नूं मारी, एक चंड इस बात दी कि तू इमाम आजम अबू हनीफा दी तौहीन की थी, ते तीसरी चंड है तू पीर मेरे अली शाह दी भी तौहीन की थी, ओ जे तू मुकल्ले दन ते तू उन्हां नूं मुकाबले च किवें खड़ा कीता उन्हां नूं। मुंह धोण का पता नहीं, लोग कहते अबू हनीफा कौन होता है, अबू हनीफा कौन होता है, उलमा अपने बुजुर्गों का असी अपने बुजुर्गों की इज्जत भी ना करा सके, जनाब पहले कोई दसो केड़े बाबे नूं मन्ने हो, उस बाबे दी मैं गल टोरा, हां मैं आखा उस बाबे दी मैं गल टोरा जिस बाबे नूं तुसीं मन्दे हो, मैं पेश करा तुसीं कहो मन्दे ही नहीं। एक बेबाक ते बड़े होंदे ये कहन लगा हम तो कॉलेज साहबी की भी इज्जत नहीं मानते, मैं कहते लिख, और दूसरा कहन लगा चुप कर मैं गल करनी, मैं कह लिखे थे मैं कॉलेज साहबी भी नहीं पेश करा, और दूसरा आपस ही लड़ पाया, उन्हें कहा चुप कर मैं मुनाजरा कर रहा। फिर मैं कहा जनाब तुसी तो बंदे हो कुरान हदीस नु, मैं जरा हदीस की तारीफ सुनाओ, मैं कहा लेकिन वह नहीं सुनानी जी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देल भी लिखी, वो तारीफ सुनानी जी हदीस मौजूद है, हदीस की तारीफ बस खत्म। असि जी वे मौलवी लैके आवे अज तक वे मौलवी लैके आए बड़िया गल, मैं तो इसका कायल ही कोई नहीं साढ़े वाला मां हजूर के बारे मौलवियों ना मुनाजरे कर, पहले मेरे नाल सरफे सगीर सुना। हाँ जी अफल्लाह अन कलिमा जिंदा लहुम, इदे कहन लगा इस आयत का मतलब यह है कि हुजूर गैब नहीं जानते थे, मैं कहा मान है तरजमे कुरान पी अठा से, मैं तो कुरान खस लिया, मैं कहा यह तो है मौलवियों का पहाड़ा, हूं दस आफा का माना कि है हुजूर गैब नहीं जानते थे, मैं कहा आफा सीगा दस इसकी सरफे सगीर कर, कह लगा जी निके निके गल, मैं कहा तू वड्डी गल फिर की क्यों, निकी ने पुत्रा तू हुजूर के बारे गल करना,